मैंने सबसे पहले मैंने दो आलू ले लिया और इसको छील के पीस पीस करके बॉयल कर लेती हूँ। अभी बॉयल हो गए, मेरा तो गरम है तो इसलिए चम्मच से छोटा छोटा पीस कर लूँगी। ठंडा होने तक ऐसे छोटा छोटा पीस करूँगी तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। देखो ऐसे ही छोटा छोटा पीस को मैश करना है चम्मच से, कोशिश चल रहा है मेरा। देखो मैंने थोड़ा मिक्स कर लिया, अभी थोड़ा मसाला डालूंगी, नमक, थोड़ा नमक डाल दिया और थोड़ा डालूंगी, इसलिए और थोड़ा डाल दिया, मैंने इसमें आटा मिलाऊंगी। अभी मैंने लाल मिर्च डाल दिया और थोड़ा डाल दिए, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, चम्मच भर के नहीं डाला। अब देखा, और थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दिया, थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दिए, तो धनिया पत्ता 2 चम्मच हिसाब से मैंने डाला, आप लोग आपकी हिसाब से डाल देना, और मसाला उसके हिसाब से डालना, जितना क्वांटिटी आलू थोड़ा मतलब बढ़ेगा उसकी क्वांटिटी उसके हिसाब से मसाला भी डालना। अभी मैंने आटा थोड़ा थोड़ा डाल के ऐसे मिलाऊंगी। अभी देखो थोड़ा ठंडा हो गए तो मैं चम्मच छोड़ के मैं हाथ से ही अच्छा से गूंद लूंगी इसको। अच्छा से मिलाना है मुझे आटा और आलू को। तो देखो मैं थोड़ा थोड़ा आटा डालूंगी और मिक्स करूंगी, एक साथ आटा डालूंगी तो ये अच्छा नहीं बनेगा, है ना। थोड़ा थोड़ा, और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, आलू में जो पानी है थोड़ा गीलापन है तो उससे आटा अच्छा से मिक्स हो जाएगा। देखो और थोड़ा आटा चाहिए, देखो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, और थोड़ा आटा चाहिए, मैं और थोड़ा आटा डालूंगी और थोड़ा डाल दिया, और फिर से मैं गूंदूंगी ऐसे करके अच्छा से। थोड़ा थोड़ा आटा डाला और मैंने गूंदा, थोड़ा थोड़ा आटा डाला और थोड़ा चाहिए मुझे, देखो और थोड़ा डाल दिए मैंने। एकदम ज़्यादा आटा डालूंगी तो वो अच्छा नहीं बनेगा, खाने में भी टेस्टी नहीं बनेगा। तो देखो गोला बन गया मेरा, एक टो बना लिए मैंने, थोड़ा सा तेल डालूंगी मैं, तेल डाल के इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 1 चम्मच तेल डाल दिया और तेल अच्छा से मिलाऊंगी, मिला लिए मैंने। अब मैं शुरू करती हूँ आलू की कचौड़ी। देखो मैंने इस गोला से 6 कचौड़ी बना लूंगी, 6 गोला बना लूंगी छोटा छोटा करके। मैंने 2 आलू से 6 कचौरी बनाऊंगी, तो आप लोग ज़्यादा बनाओगे तो 4 आलू से 12 कचौरी आराम से बन जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा हल्का बहुत एक आइडिया बताया, जे 2 आलू से 6 हो गए तो 4 आलू से, और आलू का साइज़ भी आप लोगों को मैंने दिखा दिए
उस साइज के दो आलू से 6 बन गए, तो 4 आलू से 12 कचौड़ी आराम से बन जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा आटा लगा के मैं इसको बेलूंगी। देखो मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा आटा लगा के दबा दबा के फिर मैं बेलूंगी, नहीं तो आटा नहीं लगाऊंगी तो चिपक जाएगी। देखो तो मैंने ज्यादा मोटा नहीं बनाया है, गोल शेप लो ना। गरम कर लिया कढ़ाई, अभी थोड़ा फॉर्च्यून ऑयल मैंने डाल दिया, एक एक करके मैंने डीप फ्राई कर लूंगी। आराम से लेके मैं तेल में डाल दिया, अभी ऐसे घुमा घुमा के फ्राई करूंगी। देखो ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमा घुमा के फ्राई करना है। देखो ये बहुत अच्छे से फूल जाते हैं, अभी थोड़ा थोड़ा भूल गए हैं। देखो ऐसे बनाना है, अभी पलट दूंगी मैं उस साइड हो गए तो मैं पलट देती हूँ। देखो कितना सुंदर कलर आया, घर में बनाओ और खाओ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, अच्छा भी लग रहे हैं। और मैंने ये एक आंटी ने मुझे सिखाई है, दिल्ली में एक आंटी है, तो वो आंटी लोग ये सर्दी में बहुत ही आलू की कचौड़ी खाती है उन लोग। ऐसे डीप फ्राई करना है, ये तो हल्का हल्का फूल गए, अभी लग रहा है नेक्स्ट वाला और भी अच्छा से फूल जाएगा। देखो 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 फूल गए, आप लोग बताओ कैसे कलर कैसा आया और कैसा लग रहा है आप लोगों को, ये कमेंट में बिल्कुल बताना मुझे। तो देखो गाइस मैंने ऑलरेडी 2 बना लिए, एक एक करके मैं सारे बना लूंगी। हल्का हल्का वो एक दो आलू भी दिखाई दे रहे हैं, तो देखो देखो वाव
सच्ची में बहुत ही टेस्टी है ये कचौड़ी, आप लोग एक बार ट्राई जरूर ट्राई करना। ना अच्छा से फूल गए देखो। हो गए मेरा साइड, अब मैं ज्यादा लाल करूंगी तो थोड़ा, मैंने ज्यादा ज्यादा फ्राई नहीं किया। हाँ ज्यादा फ्राई करोगी तो इतना अच्छा नहीं। बहुत ही जल्दी जल्दी में बन जाता है ये। देखो गाइस एक एक करके मैंने बना लिए सारे, हो गया मेरा कचौड़ी। तो देखो ऐसे एक एक करके मैंने सारे बना लिए। वाओ कितना सुंदर है, खा देखने में जितना सुंदर हुई और खाने में भी उतना ही टेस्टी।